द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया पैट की परीक्षा में आप गिने दिन बचे हुए हैं और जितने भी दिन आपके पास हैं उसका सदुपयोग करिए। जो आपका सिलेबस है उसके जितने भी टॉपिक हैं उनके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रट लीजिए और दिन में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाइए। बस आपको यही करना है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। डिटेल में पढ़ने का समय अब चला गया है। हम लोग आपके लिए जो वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं उसका आज 20वां दिन है और इस 20वें दिन में हम लोग जो आपका सामान्य जागरूकता का टॉपिक है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, इसको ध्यान से देखेंगे। आपके पास लूसेंट की बुक होगी अथवा अरिहंत की बुक होगी तो वहाँ से इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो सबको पता है भैया संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आप पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन होता है, इसको हम लोग यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, डेट आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। जो आखिरी वाला सदस्य है 193, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरी यानी 193वां जो मेंबर है वो कौन है, तो वो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको पता है 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं, विश्व के जितने भी 5 ताकतवर देश हैं वो इसके स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 10 अस्थायी होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि 2 वर्ष के बाद कोई दूसरा सदस्य बना दिया जाता है। टोटल 193 होते हैं, 193 में 5 तो स्थायी हो गए और बाकी 10 जो होते हैं तो आपके 10 जो बचा आपका कितना, 188 में से 10 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या क्या संस्थाएं हैं, क्या क्या इनके काम हैं, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपके लिए जितने भी हमारे संगठन हैं उनको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक बार इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद जो प्रश्न इसके आधार पर बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक ना भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात की गई है कि यहाँ पर शहर लिखे गए हैं, उस शहर में जितने भी मुख्यालय हैं पहले उनको दे दिया गया है। जैसे देखिए जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ भी है और इसकी स्थापना 1865 में किया गया। आपको 2 चीज़ याद रखना है, कौन से संगठन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है और उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, यही 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सार्वभौमिक डाक संघ, इसकी जो मुख्यालय है वो बर्न में है, बर्न स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है और स्थापना 1874 में हुई थी। जिनेवा में एक दूसरा मुख्यालय है जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। जिनेवा में ही एक तीसरा मुख्यालय है जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। जिनेवा में ही एक और संगठन है, कौन सा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और जिनेवा में ही एक और संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसकी स्थापना 1967 में ही हुई थी। और जिनेवा में एक और संगठन है विश्व व्यापार संगठन WTO जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा भैया कि जिनेवा पहले शहर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, इसमें जितने भी 3-4 संगठन हैं उन सबको याद कर लीजिएगा और उनके मुख्यालय कहाँ है उसको भी आप रख लीजिएगा। ठीक ना भैया, एक मिनट का समय दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनेवा खत्म हो गया, अब वाशिंगटन DC में आते हैं। तो वाशिंगटन DC में आपको 2 चीज याद रखना है। पहला IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो पाकिस्तान को ब्लैक सूची में डालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा होता है विश्व बैंक, ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया 1944 में और ये विश्व बैंक भी बनाया गया 1944 में, ठीक है। अब आते हैं वियना, वियना कहाँ है भैया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ है, यूरोप का एक देश है। तो वियना में आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण भी है, ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी।
और वियना में ही संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, जिसको हम लोग CTBT कहते हैं, यही वो संधि है जिसके तहत भारत ने इस पर साइन नहीं किया है, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर जो है परमाणु प्रतिबंध लगाए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। तो यही वो विवादास्पद संधि है जिस पर भारत ने अभी तक जो है साइन अपना सिग्नेचर नहीं किया है, क्योंकि इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार ये है कि जितने भी देशों ने परमाणु ऊर्जा से संबंधित देश हैं, परमाणु बम जिन्होंने बना रखा है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए देश अब परमाणु बम नहीं बना सकते। तो यही ये बेकार सी बेहुदा सी ये संगठन है, वियना में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है, अब मैड्रिड पे आते हैं। मैड्रिड क्या है, स्पेन का शहर है। विश्व पर्यटन संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा का एक शहर है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है, आपका मॉन्ट्रियल में है और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का जो रोम शहर है, इटली की राजधानी, वहाँ पर आपका क्या है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। तो अगर कृषि से कभी भी कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप तुरंत वहाँ पर रोम यानी इटली आप निशान लगा दीजिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 सॉरी और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ये 1977, ये दोनों स्थापना वर्ष आप याद रखिएगा, ठीक ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि जिसका मुख्यालय लंदन में है, नाम है इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीदरलैंड की राजधानी हेग में है और ये 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी अभी आपने पढ़ा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि यूनिसेफ जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कक्षा आपके 8 तक पढ़ाई होती है, जो कक्षा 5 तक विशेष रूप से पढ़ाइयाँ होती हैं भारत में भी, वहाँ पर सारी देखभाल ये संयुक्त राष्ट्र बाल निधि कोष यूनिसेफ ही करता है। इसके बहुत सारे कार्यक्रम भारत में भी चलते रहते हैं। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसकी जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले संगठन पर। तो जिनेवा का देखिए, ऊपर जिनेवा हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ को छूट गया था, जो बचा है अब नीचे दिया गया है। तो जिनेवा में एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसकी स्थापना 1864 में की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस कहाँ है, जिनेवा में ही है 1863 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड क्रॉस, 1863 याद कर लीजिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, ये भी आपका जिनेवा में ही है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसको OECD बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेरिस में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। ये ओपेक का फुल फॉर्म है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं, ये जो है वियना में है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना में है और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसका जो मेन है, जो हेड देश है वो है अमेरिका, उसको हम लोग नाटो के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। ठीक है, तो बेल्जियम देश में ब्रुसेल्स शहर में ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, इसका मुख्यालय है और 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो अबू धाबी में है और ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, बहुत ही लेटेस्ट संगठन है ये। आगे बढ़ते हैं, सार्क का पूरा नाम जो होता है आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सार्क के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और स्थापना वर्ष 1985 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान का फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है और 1967 में इसकी स्थापना किया गया था।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए, सब कुछ आपको रिविज़न हो जाएगा, कोई यहाँ इधर उधर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम जिसको हम लोग एपेक के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और 1989 में इसका जो है स्थापना किया गया था। OIC बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये OIC भारत के लिए बहुत सारे नियम कानून लगाते रहते हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा करते रहते हैं। OIC इस्लामिक सहयोग संगठन, इसमें जितने भी इस्लामिक देश हैं पूरे विश्व में 57 देश हैं उनका ये संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो सऊदी अरब की जो देश जो शहर है जद्दा वहाँ पर है और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इसका जो मुख्यालय है वो मॉरिशस के इवेन शहर में है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका मुख्यालय लुसाने में है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में 1894 में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व आर्थिक मंच, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिनेवा में, देखिए जिनेवा के बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जिनेवा शहर है, कम से कम 10 संगठन आपके जिनेवा में ही हैं और इसका स्थापना विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। फुटबॉल वाले याद रखिएगा, फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में है, वो 1904 में इसकी स्थापना किया गया था। क्रिकेट का भी याद रखिएगा, ICC का मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है और 1909 ये ये 2009 होना चाहिए था। देखिए पहले जो ICC का मुख्यालय कहाँ था भैया, लंदन में था, ठीक है, पहले इसका मुख्यालय आपका लंदन में था, लंदन से इसका मुख्यालय शिफ्ट किया गया है दुबई में, ठीक है, तो ये 2009 है, ये यहाँ पर 2009 होना चाहिए, एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा, 1909 ये गलत है, ये लंदन में इसका मुख्यालय था, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगता था तो इसलिए टैक्स बचाने के लिए जो मुख्यालय शिफ्ट किया गया है वो आपका दुबई में किया गया है। ये बहुत ही पुरानी संस्था है ICC, क्रिकेट आप सभी लोग देखते ही हैं, गूगल पे देख लीजिएगा कि दुबई में कब शिफ्ट किया गया था ICC का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, इसको भी याद रखिएगा भैया, लुसाने में इसका मुख्यालय है और 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। जितने भी खेल हैं उनकी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं उनकी जो भी संस्थाएं हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। विश्व शतरंज संघ, इसका भी मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, 1924 में इसका भी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसका ग्लैड जो स्विट्जरलैंड का शहर ग्लैड है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और 1948 में इसकी स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला आखिरी वाला कोई याद करने की जरूरत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका जो मुख्यालय, इस संस्था का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो हम लोग निशानेबाजी की प्रतियोगिताएं होती हैं शूटिंग की, उसका जो मुख्यालय है वो म्यूनिख में है, जर्मनी के म्यूनिख शहर में, और 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग जिसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, संघाई में, चाइना के शहर संघाई में है और 2004 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका सदस्य भारत भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये आपसे बार बार पूछा जाता है, इसका मुख्यालय नैरोबी में है और 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है, ठीक है, और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्लैड में इसका मुख्यालय है और 1961 में इसका स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार रिविज़न कर लिया है अपने जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वन लाइनर प्रश्नों की ओर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी 5 महत्वपूर्ण देश हैं वो सभी इसके सदस्य हैं। कौन से हैं? आपके सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, फिर रशिया है, चाइना है और ब्रिटेन, क्योंकि उस समय जब ये बनाया गया था उस समय एक शक्तिशाली देश था, और फ्रांस। तो ये 5 देश इसके सदस्य हैं, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं।
आगे हमें पढ़ना है कि IMF जिसका मुख्यालय अभी हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। SOCHM एक संस्था है कहाँ की, भारत की, और ये 100 साल से भी पुरानी संस्था है। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो जो फुल फॉर्म होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, SOCHM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जो आपका वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्था ने सहयोग किया है, तो भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए यूनिसेफ ने मदद किया है, सहयोग किया है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। अफगानिस्तान में सार्क का सम्मेलन आयोजित किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 2007 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके बीजिंग शहर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का 63वां स्थान था, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2020 के डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है कि ईज ऑफ बीइंग डूइंग बिजनेस के जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो G8 का सदस्य है, तो G8 का सदस्य जापान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रिक्स बैंक का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय शंघाई में है, चाइना के शहर शंघाई में है। एक संस्था है जिसका नाम है SASEC, इसका 7वां सदस्य बनाया गया है, और कौन सा सदस्य बना है, म्यांमार इसका 7वां सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण क्या है, तो उत्पाद कोई अगर वस्तु हमें उत्पादित होती है तो ऐसे देश मिलकर उसका संगठन बना लेते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो ओपेक है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। विश्व बैंक का वास्तविक नाम क्या है, तो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, ठीक है। विश्व बैंक ये पूछा गया है आपसे, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व बैंक का वास्तविक नाम क्या है, तो हम बोलचाल की भाषा में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है, तो जो वर्ल्ड बैंक है यानी विश्व बैंक है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उसकी एक संस्था IDA है जिसको हम लोग सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जानते हैं। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाया है, तो ये विशेष आहरण अधिकार जो है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बनाया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का ही एक बैंक है, उसका मुख्यालय चाइना के शहर शंघाई में है। मानव विकास सूचकांक कौन बनाता है, तो मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। G20 विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है इसका प्रतिनिधित्व होता है जो G20 मतलब 20 देशों का एक संगठन होता है, अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन होता है, उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन देशों के वित्त मंत्री करते हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर करते हैं। यानी कि जैसे भारत अगर G20 में, तो भारत अभी शामिल नहीं है लेकिन मान लीजिए शामिल अगर हो जाता है तो केंद्रीय हमारा जो RBI बैंक है उसके गवर्नर जाएंगे और हमारे वित्त मंत्री जाएंगे उस बैठक में भाग लेने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। GATT का विस्तृत फॉर्म यानी फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड होता है, ठीक है। GATT का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा।
किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन 1995 में बनाया गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित हैं वो कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को FATF ये संगठन है जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक संगठन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। इसका जो स्थापना किया गया था 1992 में किया गया था, इस चीज़ को जानकारी में रखिएगा। भारत में जीवन सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? तो आवास और शहरी आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आपका जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2009 में आपके ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, ठीक है, ब्रिक्स में 5 देश हैं। अब वो कौन कौन से देश हैं? तो पहला यहाँ बी से आप स्टार्ट करिए, BRICS, यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर क्या हो जाएगा रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर आपका होता है चाइना, और एस फॉर क्या होता है, ये आखिरी वाला जो एस है यह होता है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता शाखा है, और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका इटली की राजधानी रोम में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है जिसको हम लोग OPEC के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो जो संस्थापक सदस्य हैं वो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और वेनेजुएला है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, और इसकी स्थापना 1985 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से पढ़िए, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी UN का चार्टर पेश किया गया था, इसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। कब? 1945 में 24 अक्टूबर, इसको आप ऐसे पढ़िएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो जो मानव विकास की रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था होती है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमारे पास इतने ही प्रश्न थे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी प्रश्न नहीं है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो आपका UP SSSC में पिछले 5-6 सालों में पूछे गए हैं, यानी कि ये सारे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं। आप लोग क्या करिएगा, अपना लूसेंट की बुक उठाइए और अरिहंत की बुक उठाइए, वहाँ से इनके मुख्यालय रख लीजिएगा, और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है इससे आपका एक भी प्रश्न ना पूछ जाए, क्योंकि आपके 10-12 चैप्टर हैं और उसमें से आपको एक एक प्रश्न अगर सबसे पूछा जाएगा तो इसमें से आपको एक प्रश्न मिलेगा, या हो सकता है इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न ना मिले। तो जितना बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है उसको ऊपर ही पढ़ लीजिए, वहीं से आपका काम बन जाएगा, ठीक ना भैया। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी लोगों के लिए है कि मात्र 100 रुपये में जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है उसको आप सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट ही लगाना है। 200 से भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं, इसको आप खरीदेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया है। आपके बहुत सारे रुपए बच जाएंगे, जो मार्केट से आप प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे वो प्रैक्टिस सेट आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक ना भैया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।